परी ने करवाई बालों की बारिश। रामपुर गांव में काव्या अपनी माँ के साथ रहती थी। काव्या के सर पर बचपन से ही बहुत कम बाल थे। जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी हुई वो बिल्कुल ही गंजी हो गई, जिस वजह से काव्या का हर जगह मजाक बनता था। जब वो स्कूल जाती थी, ये देखो इस टकली को, टकली टकली टकली, सब बच्चे टकली टकली कहकर काव्या को बहुत चिढ़ाते थे। जब मैम सभी बच्चों को दो चोटी बनाकर आने की हिदायत दे रही थी, मैम इस टकली के सर पर तो बाल ही नहीं है, फिर ये कैसे चोटी बनाकर आएगी, फिर इसे भी क्लास से बाहर करो, शट अप वर्षा। क्लास में तो मैम बाकी लड़कियों को चुप करा देती है, लेकिन क्लास से बाहर सारी लड़कियां काव्या का खूब मजाक उड़ाती हैं। काव्या रोते रोते घर आ जाती है। क्या हुआ काव्या, इतनी उदास क्यों हो? क्या होगा माँ, मेरा कुछ हो सकता है क्या? सभी लड़कियों के इतने अच्छे बाल है, भगवान ने मुझे ही टकली क्यों बनाया? आप लोगों की लाख कोशिशों और इलाज कराने के बाद भी मेरे सर पर बाल नहीं आए, जिस वजह से मुझे हर जगह शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगी। काव्या के माँ बाप भी काव्या की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, काव्या अब शादी के लायक हो गई थी। उसके माँ बाप को उसकी शादी की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन काव्या के टकले होने की वजह से कोई भी लड़का काव्या से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर काव्या की माँ को कोई रेडीमेड विग के बारे में बताता है। उसकी माँ काव्या को पार्लर लेकर जाती है और उसको रेडीमेड बालों वाला विग लगवा देती है। काव्या खूबसूरत तो थी, सर पर बाल लगने की वजह से उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। और फिर काव्या की शादी भी एक अच्छे घर में सुनील के साथ हो जाती है। जब काव्या नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो वो अपना बालों वाला विग उतारकर बाहर रख देती है। इतने में ही सुनील भी आ जाता है, घर में विग देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसकी नज़र बाथरूम से बाहर निकलती काव्या पर पड़ जाती है। अब सुनील को सब कुछ समझते देर नहीं लगती। तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुम तो टकली हो और मेरी वाइफ टकली हो, इम्पॉसिबल, निकल जाओ मेरी लाइफ से, अब से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा ना करो प्लीज, मुझे घर से मत निकालो, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, तुम जो बोलोगे वो करूंगी, पर मुझे घर से मत निकालो। फिलहाल तो तुम इतना करो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। काव्या रोते रोते घर से जा रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, क्या करे। चलते चलते वो जंगल पहुँच जाती है और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, आप मुझे ये किस गुनाह की सजा दे रहे हो, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे सर पर बाल नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है। काव्या रोते रोते भगवान से शिकायत कर रही होती है, तभी उसे एक आवाज आती है। काव्या, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप मेरी कैसी मदद करोगे? काव्या, इस पेड़ पर एक परी विश्राम के लिए हर रोज आती है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जैसे ही परी आती है, फिर काव्या परी को अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। घबराओ मत बेटी, समझ लो तुम्हारी समस्या खत्म हो गई। तभी परी अपनी जादुई छड़ी से कुछ जादू करती है और फिर आसमान से पानी की बूंदों की तरह 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 के बने हुए फैशनेबल बालों की बारिश होने लगती है और उसमें से एक बाल काव्या के सर पर जाकर लग जाते हैं। बाल लगने की वजह से काव्या की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, मेरे सर पर तो वाकई बाल आ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, जो काम आज तक बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए वो आपने चुटकियों में कर दिया। काव्या परी का धन्यवाद करते हुए अपने घर चली जाती है। काव्या की माँ काव्या के सर पर बाल देखकर बहुत खुश होती है। उधर कुछ दिनों बाद सुनील को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो काव्या से माफ़ी मांगने उसके घर जाता है। मुझे माफ कर दो काव्या, मैंने सिर्फ तुम्हारे रूप को देखा था, तुम्हारे गुणों को नहीं। अब मुझे समझ आ गया है, इंसानों को सुंदर होना ही सब कुछ नहीं होता, उसके गुण भी मायने रखते हैं। और अब तो तुम्हारे सर पर बाल भी आ गए हैं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, चलो मेरे साथ।
अपने पति की ऐसी बात सुनकर काव्या खुशी खुशी अपने पति के साथ चली जाती है और फिर खुशी खुशी रहने लगती है। तो कैसी लगी ये कहानी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।